घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? स्माइल ज़िम्बादा गार्सिया, जिसका जन्म अलामो नाम की कम्युनिटी जो मैक्सिको के कुलियाकान के कैपिटल सिनालुआ में 1948 में हुआ था, जो पहले से ही एक एम्बिशियस क्रिमिनल था, जो पहले तो एक फार्मर था, लेकिन फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में ही इसने ड्रग डील करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब माइगुअल एंजल फेलिक्स गलार्डो, जिन्हें एल पेड्रिनो या ड्रग्स का गॉडफादर भी कहा जाता है, वो पकड़ा गया तो सब कुछ बदल गया। ये लॉ के लिए तो एक बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन गॉडफादर के पकड़े जाने के बाद उसके पीछे छोटे मोटे सारे ड्रग कार्टल्स के बीच वॉर स्टार्ट हो गई थी। कुछ कार्टल्स का नाम निशान मिटा तो कई बड़े हुए, जिनमें से एक था सिनालो कार्टल, जिसे स्माइल ज़िम्बादा गार्सिया या एल मायो या एल कापो ने स्टैब्लिश किया था। वो 90s का सबसे पावरफुल ड्रग कार्टल बन गया था और इसने मारिजुआना, कोकेन, हीरोइन जैसे कई सारे ड्रग्स को यूएस तक इलीगल तरीके से पहुंचाना शुरू कर दिया था। और फिनिक्स, लॉस एंजलिस, डेनवर, अटलांटा और शिकागो जैसे सिटीज में वो फैल गया था। उसने ड्रग्स को यूएस पहुंचाने के लिए ट्रक्स, सबमरीन्स और एरियल ट्रांसपोर्टेशन और टनल सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया था। बता दें कि सिनालुआ कार्टल ने काफी अच्छे तरीके से अंडरवर्ल्ड में अपनी पॉश स्टैब्लिश करना शुरू किया और खास करके स्मेल की स्किल्स की वजह से उसने कई सारे अलायंसेस भी बना लिए थे और ग्वाडालाजारा कार्टल के मेंबर से भी उसने दोस्ती कर ली थी। दोनों ही कार्टल से एक जैसे थे, रुथलेस, ब्रूटल और केयरलेस। स्माइल की वाइफ ने कहा था कि 1992 से लेकर 2000 तक काफी सेंसलेस वॉर्स हुई, जिसमें कई सारी फैमिलीज ने अपने आप को खोया और इसी समय स्माइल ज़िम्बादा एक रुथलेस ड्रग माफिया बना। और यूएस अथॉरिटीज का कहना था कि लेट 90s के दौरान वो इतना ज्यादा स्ट्रांग ड्रग लीडर बन गया था कि वो मल्टी टन क्वांटिटीज में कोकेन और मारिजुआना का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता था। और जब वो FBI के निशाने पर आया तब वो 2003 में गायब हो गया। और ताजुब की बात यह है दोस्तों कि वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया है, जबकि उसका साथी अल कापो अरेस्ट हो चुका है। और यूएस गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अनाउंसमेंट की गई थी कि जो स्माइल ज़िम्बादा की इन्फॉर्मेशन देगा उसे $5 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और आज कहा जाता है कि सिनालो कार्टल दिन भर दिन स्ट्रांग बनता जा रहा है और उसकी वर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं स्माइल आज भी इस पर राज कर रहा है, जिसे मैक्सिकन गवर्नमेंट ने हिटमैन का नाम दिया है। ये एक लार्जर देन लाइफ ड्रग लॉर्ड की कहानी है, जिसकी कहानी से इंस्पायर होकर पुष्पा पार्ट 2 भी बनाई जा सकती है, जिसमें पुष्पा के किरदार को भी इसी तरह से लार्जर देन लाइफ बनाया जाएगा। तो क्या आपको इस मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के बारे में पता था? दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।